गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मंडे का डे है और 8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। मनीष छोड़कर आ गए थे बेटू को, उसका आज एग्ज़ाम था और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी एक साइड, और दूसरी साइड मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी, जो भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी होती है ना, तो उसके लिए फिर मेरे को आलू बॉईल करने थे, तो साथ साथ मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। जब तक चाय वाय पियेंगे मैं अपना फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी, तब तक फिर आलू जो बॉईल हैं बॉईल हो करके मतलब ठंडे हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मेरे को कुछ ब्लिंकिट से सामान वगैरह ऑर्डर करना था, तो वो भी मैंने साथ के साथ कर दिया था, तो वो यहाँ पे रिसीव हो गया था मेरे को। 8 मिनट में डिलीवर हो जाता है और 24/7 चलता रहता है। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, क्योंकि लेट नाइट तक मनीष ना कभी कभार ये ब्लिंकिट्स वगैरह से ऑर्डर कर देते हैं, तो ये डिलीवर हो जाता है चाहे आप 2 बजे करो 3 बजे, तो ये नुकसान हो जाता है, अनवांटेड वो ईटिंग सी हो जाती है। और उसके बाद फिर सारा सामान वगैरह मैंने निकाल लिया था, पहले वहाँ पर निकाल रही थी, फिर मैंने सोचा कि किचन में ही जा कर के निकाल लेती हूँ और साथ के साथ फिर इनको इनकी जगह पे भी रख दूँगी। तो सारा सामान मैंने मंगवा लिया था और सारा काउंटर पे निकाल लिया था। कुछ चीज़ें मैंने वाली मंगवाई थी जो कि मैं पहले यूज़ किया करती थी, काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने छोड़ दिया था, अब मेरे को दोबारा से इन सब चीज़ों को रेगुलर डाइट में ऐड करना है। मिलेट्स, पहले कुछ टाइम के लिए मैंने बिल्कुल वीट फ्लावर जो था वो छोड़ दिया था, मैं जो मिलेट्स वाली डाइट होती है ना उस पर आ गई थी, और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा मिलेट्स पे चली जाऊं, बट सोचती ही जा रही थी। तो आज मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो आज मैंने सोच लिया था कि मैं वीट फ्लावर जो है वो नहीं खाऊंगी, आज मुझे मिलेट्स ही अपने लिए ऑर्डर करनी है। तो आज मैंने फिर कुछ मिलेट्स वगैरह ऑर्डर करी थी, एक था बेसन, एक जौ का आटा था, बार्ले फ्लावर, और एक बाजरा था, और एक रागी था, रागी वाला था, और ये गरम मसाला था, और ये एक आधा पैकेट वगैरह था, मतलब ये सारी चीज़ें थी। मस्टर्ड ऑयल वगैरह भी फिनिश हो गया था। गरम मसाला मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि किचन किंग जो था वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो फिर मैंने गरम मसाला उसके लिए उसकी जगह मंगवा लिया। और थोड़ा एक चाट मसाला भी मैंने मंगवाया था, क्योंकि मुझे ना बीच में कमेंट्स आए थे कि आप ना कुछ रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर किया करो, तो मैं सोच रही हूँ कि जो रेसिपीज़ मैं अपने लिए स्पेशली बनाती हूँ ना, तो वो सारी मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी, तो उसमें ना थोड़ा बहुत टेस्ट अच्छा आ जाए। आप अगर चीज़ों को प्लेन और सिंपल करके खाओगे ना, मतलब ये सोच के कि मुझे हेल्थ के लिए खाना है, मुझे टेस्ट के लिए नहीं खाना, तो फिर तो आप बिना चाट मसाले के भी खा पाओगे, अदरवाइज़ फिर चाट मसाला चाहिए होगा, तो इसलिए फिर मैंने ऑर्डर कर लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे आलू को मैंने सारे छील लिया था, और सब्ज़ी के लिए मैंने 3 टमाटर लिए थे, 3 मिर्ची ली थी, छोटे छोटे साइज़ की थी और बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी, और एक टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया था। तो भंडारे वाले जो आलू होते हैं वो इतनी चीज़ों से बन जाते हैं। तो एक पैन में मैंने ऑयल ट्रांसफ़र कर लिया था, मस्टर्ड ऑयल, और आलू को भी मैंने मैश करके साइड में रख दिया था, और इस चॉपर से मैंने सारी चीज़ों को चॉप कर लिया था, मतलब जो जिंजर और मिर्ची थी ना, तो इससे मैंने इसको चॉप कर लिया था। आप मिक्सी में प्यूरी भी बना सकते हो, बट टमाटो जो होते हैं ना वो चॉपर में भी अच्छे से प्यूरी जैसे ही बन जाते हैं, तो फिर मैंने आज मिक्सी ही निकाली, इसी से ही चॉप कर लिया था। और उसके बाद ये रखा हुआ था उसका पैकेट तेज पत्ते का, जो कि ट्रांसफ़र करना ही नहीं हो पा रहा था, कंटेनर्स ना बड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं, और छोटे छोटे ये जो स्पाइसेस रखने के लिए ना मेरे पास बिल्कुल अभी कंटेनर है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक कंटेनर का सेट ऑर्डर कर दूँ, अदरवाइज़ ना सारा सामान जो बाहर पैकेट क्लिप लगा लगा करके रखूँ ना, तो किचन बहुत अनऑर्गेनाइज सी हो जाती है। तो फिलहाल अभी मैंने न्यू पैकेट खोल लिया था और उसमें से यूज़ कर लिया था, और अभी फिर मैं वही क्लिप लगा करके रख दूँगी, बट मैं जल्दी से कंटेनर्स ऑर्डर कर दूँगी। तो मैंने ऑयल के अंदर जीरा डाला था और थोड़ी सी हींग डाली थी और तेज़पत्ता डाला था, और एक ग्रीन वाली इलायची भी डाल दी थी, बस यही चीज़ें मैंने इसमें डाली थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली थी। ऐसा नहीं होता कि आप चीज़ों सब्ज़ी में बहुत सारी चीज़ें ऐड करोगे तभी टेस्ट आता है, तो अगर आप थोड़ा सा फ्राई जो हमारा प्यूरी को पकाने वाला प्रोसेस होता है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से पकाओगे ना तो भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। तो सबसे पहले मैंने वही ड्राई मसाले डाल लिए थे, उसके बाद जिंजर जो क्रश करी थी, जिंजर और ग्रीन चिली वो डाल दी थी, और उसके बाद फिर प्यूरी इसमें डाल दी थी। प्यूरी में से जब ऑयल थोड़ा सेपरेट होने लगा था उसके बाद मैंने इसके अंदर जो बॉयल करे हुए आलू थे ना वो डाल दिए थे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप कुकिंग वगैरह करते हो ना तो उस रेसिपी भी शेयर किया करो, तो ये वाली आलू की सब्ज़ी मैं बहुत कम बनाती हूँ। आज बेटू का मन था मॉर्निंग में आलू पूरी खाने का,
तो इसलिए आज मैं बना रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी लेंदी रेसिपी भी रिकॉर्ड कर ली। और उसी के साथ फिर ये वाला कंटेनर, ये कंट्री डिलाइट का जो काओ मिल्क होता है ना, काओ घी सॉरी, तो उसका कंटेनर खाली हो गया था, तो ये फिर स्टोरेज के लिए यूज़ हो जाता है। जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना, वो थोड़े से अच्छे नहीं दिखते हैं, जो घी वगैरह के साथ या जो सामान वगैरह आता है जिसमें, वो अच्छे नहीं होते। बट ये ग्लास कंटेनर था तो इसको मैंने रख लिया था। और इसके अंदर फिर ये कस्तूरी मेथी का भी जो मैंने पैकेट मंगवाया था ना, वो मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था। एक तो ग्लास कंटेनर्स के अंदर ना बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, मतलब उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है ना वो बढ़ जाती है, ख़राब नहीं होती हैं चीज़ें जल्दी से। बट उनका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम उसमें आती है कि वो ना हैवी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आप 1 kg वाला कुछ सामान रखोगे ना, तो एक तो ग्लास का बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, और ऊपर से फिर जो आपने उसमें सामान डाला होगा तो थोड़ा उठाने उठाने में ना, थोड़ा सा मेंटेन करने में मतलब मुश्किल लगती है। बट देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। वो 5 साल पुराना भी होगा ना ग्लास कंटेनर, वो एज इट ही शाइन देता है जैसे कि हम फर्स्ट डे लेकर के आए हो। तो ग्लास कंटेनर्स ना इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी सब्जी भी मेरी बन के रेडी हो गई थी। 5-7 मिनट मैंने अच्छे से इसको बॉयल दिलवा लिया था, ताकि जो ग्रेवी है ना, जो अभी मैंने पानी डाला था, वो थोड़ी थिक हो जाए। और उसके बाद फिर जो कोरिएंडर होता है, कोरिएंडर लीव्स होती हैं, वो नहीं थी मेरे पास, तो उसकी जगह मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी थी। और यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो बढ़िया सी बन के रेडी हो गई थी, बहुत यम्मी लग रही थी ये वाली सब्ज़ी। आज बेटू का मन था, उसको आलू पूरी खानी है, तो फिर उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। कि अपने लिए मैंने मिलेट्स मंगवाई थी, तो अभी मैं सोच रही थी कि आज से मिलेट्स स्टार्ट करूँ या कल से करूँ, आज आलू पूरी खा लेती हूँ। तो जब भी हम डाइट स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको मतलब सारी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करके ही करनी चाहिए। फिर अगर आप बीच में छोड़ करके करोगे ना, मतलब मन आपका तरस रहा है और आप डाइट करना चाह रहे हो, तो वो हो नहीं पाएगी। और वैसे मैं डाइट नहीं कर रही हूँ, जस्ट मुझे मिलेट्स वगैरह का टेस्ट बहुत अच्छा लगता था, मुझे मतलब अच्छा फील होता था खा करके, इसलिए मैंने अपने लिए मंगवाई है। और पहले मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, 2-3 तरह के फ्लावर्स मैं पहले मंगवाती थी, और सबको मल्टीग्रेन मतलब घर पे ही बना करके लाती थी। आप मार्केट से लाओगे ना, तो आपको पता नहीं होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। तो बेटर होता है कि आप 1-1 kg के या 1/2 kg के खुद मंगवाओ और ख़ुद बनाओ मल्टीग्रेन रोटी। और उसके बाद यहाँ पे पूरी का आटा मैंने निकाल लिया था, और इसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, मस्टर्ड ऑयल और थोड़ी सी अजवाइन डाल ली थी। और फटाफट से यहाँ पे मैंने पूरियों का आटा लगा लिया था, और लाइट चली गई थी, फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। मनीष आपने टी शर्ट भी उल्टी पहनी हुई है, पीछे देखो उसका जो डिजाइन है ना, वो रेड रेड सा, वो देखो ये रहा पीछे की साइड। जल्दबाजी में पहन ली वो। चलो, तो जेप्टो से ऑर्डर आया है कुरकुरे, ये मेरा है, और हमारा ये मेरा, ये दो दो सेम थे, ये तुम्हारा और ये मेरी बेटी का। लो, बस यही। तो इसके मुंह में पानी आ रहा है। ये है ब्रांड न्यू मिल्क केक जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, और ये इसके मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, आप ही ब्रांड न्यू पसंद करते हो, हम तो लोकल पसंद करते हैं। लोकल पसंद, ये इसको ठेले गए ना, ठेले गए। मेरी पसंद आप हो, आप बोलो। हमारी पसंद मैं हूँ या मेरी पसंद तुम हो? हाँ, तो आपकी तो ब्रांड न्यू पसंद है ना, वो तो मैं हूँ, और मेरी लोकल पसंद है, तो आप हो लोकल। तुम तो ब्रांड न्यू बन गई हो। अच्छा, अब आए ना लाइन पे। मैंने बनाया। आपने बोला कि आपकी पसंद ब्रांड न्यू है, तो मैं हूँ आपकी पसंद, ठीक है, और मेरी पसंद लोकल है, तो आप मेरी पसंद। दूर का दिखाई देता है, दूर का, मेरी नजर, पास की नजर मेरी कमजोर है, मेरे पास की नजर कमजोर है। अंतर्यामी हूँ। ये देखिए मिल्क केक, देखो इसका ये कंटेनर कितना काम आता है। देखो ये बोलते हुए लपलपा रही है। वो देखो, वो चॉकलेट पे स्टार्ट हो गई। स्नैक्स बना जा रहा है। कौन सा स्नैक्स? जो लंच के बाद होता है ना। अच्छा, चाय वाले ब्रेक पे। अच्छा, तो ये चाय के साथ खाओगे? नहीं, तो फिर किसके साथ खाओगे? आज मैं सोच रहा हूँ चाय छोड़ दूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, चाय तो परमानेंट छोड़ दो। क्यों छोड़ दूँ? और क्या, मैंने आपके लिए लाए हैं ना वो हर्ब्स, वो खाने स्टार्ट करो। अरे हर्ब्स, हर्ब्स चिल्ला रही है, एक तो दिया नहीं, एक दाना तो मुझे मिला नहीं। हर्ब्स लाई हुई, हर्ब्स तो खाओ ना, खाते क्यों नहीं हो, घर पे ही तो पड़ा है। हर्ब्स लाई हुई, हर्ब्स, एक हफ्ता मैंने खाया ही नहीं।
तो घर पे रख जाना, खाओ ना। होप्स क्या? होप्स यही खाओ आप गंद। अनियंस और टमाटो के साथ कुरकुरे, वाह। और साथ में अभी देखना तो, चाय। अभी देखना तुम तो। क्या देखूं, रोज देखती हूँ आपको, रात के 2-2 बजे यही करते हो आप, ब्लिंकिट से मंगवा मंगवा के। अब जैप्टो को पूछे ना, मैंने आपको कभी प्रेशर करा 5 बजे खाना खाओ? भाई ये मुझे 5 बजे डिनर करा देती है तो मुझे भूख लगेगी। झूठ मत बोलो, 5 बजे नहीं होता, 7 बजे तक हो जाता है, और वो हेल्दी हैबिट ही है। 5 बजे, 5 बजे बोलती हूँ आपको, 5 बजे हेल्दी हैबिट इसके हिसाब से है ना, मेरे हिसाब से नहीं है। तो आप थोड़ा लेट खा लो, मुझे तो शाम होते ही भूख लगने लगती है, तो मैं तो खा लेती हूँ। अच्छा। आप थोड़ा लेट खा लो, मैंने आपको बोला कि आप भी मेरे साथ ही बैठ जाओ, मैं अपने लिए प्लेट लगाऊंगी, साथ में भूख आपको लग जाती है। मेरे को तुम्हारे वाले खाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे पनीर पसंद है, ना मुझे दही वाली जो चीज है सुबह सुबह दही छाछ। बताओ ठंड, इतनी ठंड हो जाए ना सर्दियों में भी इतनी ज्यादा, मतलब इतना माइनस में टेम्परेचर ज्यादा, उसको छाछ चाहिए होता छाछ। अरे तो मेरे को हीट रहती है, फील होती है ना अगर मैं ठंडी चीजें नहीं खाती। कहाँ से बिलाड़ से पैदा हो गई है, हीट रहती है जो तनी कौन सी हीट रहती है? अब रहती है तो रहती है, फील होती है, मेरी बॉडी को नीड है तो मैं खा पीती हूँ छाछ। आपको नहीं अच्छी लगती तो आप मत पियो छाछ, तो पूरी दुनिया पीती है। हाँ तो सड़ी हुई चाय आप पीते हो, मैं पीती हूँ, मैं तो नहीं बोलती ऐसे बना। मैं पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड से आया हूँ। अच्छा। और हम लोग चाय के बिना जी नहीं सकते जिंदा। अच्छा बस। तो उत्तराखंड में लिखा है कि जो यहाँ जिएगा वो चाय के साथ जिएगा। चाय से बंदा रिफ्रेश होता, रिफ्रेश। हो, 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 हो। अच्छा, अच्छा अच्छा। लोग ना दवाइयाँ खाते हैं और उत्तराखंडी सिर्फ चाय पीते हैं। वाह 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 वाह। दवाई दवाई हेल्दी होती है, ये चाय हेल्दी होती है। फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, दोनों ही खराब होती हैं।